उत्तानपाद की दो पत्नी है सुरुचि सुनीति, दो ही पुत्र हैं उत्तम और ध्रुव। सुरुचि में अधिक रुचि है, सुनीति उतनी अच्छी नहीं लगती है। इसके कारण जो सुरुचि का पुत्र है उत्तम, उसको प्रेम ज्यादा मिलता है, सुनीति के पुत्र ध्रुव जी को प्रेम कम मिलता है। एक दिन छोटे बालक 5 वर्ष के ये ध्रुव, इन्होंने सोचा कि पिता की गोद में जाकर बैठ जाऊं। इस बालक का मन किया कि उत्तम को इतना प्रेम मिलता है तो मुझे भी मिलना चाहिए। जब गोद में बैठने लगा तो इसकी भी माता ने आकर हाथ पकड़कर उतार दिया और कहा, जाओ जाकर भजन करो, भगवान को मनाओ, और जब वो मान जाए तो कहना कि अगली बार मेरी कोख से जन्म लेकर आना, तब जाकर इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी हो। ये रोता हुआ बालक माँ के पास आया। माँ सुनीति से कहा, माँ विमाता ने, जो दूसरी माता है, उसने मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। सारी बात बताई। सब सुनकर के माँ सुनीति जो है कहती है, पुत्र वो भी तेरी माँ ही है और मुझसे भी अच्छी है, क्योंकि जो बात मैं तुझे नहीं बता पाई वो उस माँ ने बता दी। उसने कहा कि भजन करो, ये तो मैं भी तुझे कभी नहीं कह पाई। उस माँ ने कहा कि भजन करो और भगवान को मनाओ। याद रखना पुत्र, यदि भगवान को मना लिया और भजन कर लिया तो फिर इस पिता की गोद क्या परम पिता की गोद मिल जाएगी, फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो भगवान मिलेगा कहाँ, मनाऊंगा कैसे, ढूंढूंगा कैसे? कहा, वो तुम्हें खोजना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा। खोज तुम्हारी होगी, क्योंकि वो तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वो तो सब जगह एक ही जैसा है, समान रूप से, पर ये तुम्हें खोजना है कि वो कहाँ प्रकट होगा। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, खोजी होई तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में प्यारे, मैं तो हूँ विश्वास, मैं विश्वास में बसता हूँ। और माँ के वचनों पर भरोसा हो गया बालक को, और भरोसा करके जंगलों को निकल गया 5 वर्ष का बालक ध्रुव। नारद जी मिले, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जंगलों में भगवान को देखने जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, लौट जाओ बालक, जंगलों में भगवान नहीं शेर चीते मिलेंगे जो समाप्त कर देंगे तुम्हें। भगवान नहीं मिलते जंगल में। इस बालक ने कहा कि हे मुनि, ये तो मुझे पता नहीं है कि भगवान कहाँ मिलते हैं, पर माँ के वचनों पर भरोसा है कि वो मिलते जरूर हैं, वो मिलेंगे जरूर, मैं तो हूँ विश्वास। अब माँ के वचनों पर भरोसा दिखा नारद जी को, तो नारद जी ने भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र दे दिया, जाओ जपो और जपते जपते उसको प्राप्त कर लो। एकाग्र मन करके सब बाह्य झंझटों को छोड़कर भगवान में स्थिर करके मन को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए साक्षात भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। और भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा कि बस आपको मांगना था, आप मिल गए, अब कुछ बचा ही नहीं है, आपको मांग लिया प्रभु। कहा, इस धरती पर बहुत वर्षों तक रहोगे तो कुछ तो मांग लो। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, यदि देना ही चाहते हो तो सत्संगति दे देना, सत्संग दे देना, बाकी कोई साधन नहीं मांगा। क्या मांगा? सत्संग मांगा है। जैसा करोगे संग वैसा बन जाएगा रंग, इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग माने संत का संग, सत्य का संग, अच्छा संग, अच्छे विचारों का संग, अच्छे व्यक्ति का संग, ये सब सत्संग ही होता है। जब अच्छे लोगों का संग होगा तो अच्छा जीवन होगा। कहा, सत्संग दे दो। भगवान ने जो मांगा वो दिया, और वापस जब ध्रुव जी आए और आने लगे, और जो उत्तानपाद को, जो इनके पिता हैं, उनको जब पता चला कि मेरा बेटा तो सिद्धियां प्राप्त करके आ रहा है, भगवान को पाकर आ रहा है, तो वो पिता जो गोद में नहीं बिठा रहा था, वो रथ लेकर, सेना लेकर, नौकर चाकर लेकर खड़ा है कि आओ बेटा इसमें बैठकर चलते। इसलिए कहा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान यदि
कृपा कर दें तो फिर दुनिया भी कृपा करने लग जाती है। इसलिए भगवान से विमुख नहीं होना है। गए हैं धीरे धीरे, लालन पालन हुआ, बड़े हुए और अनेकों वर्षों तक इन्होंने राज्य किया है। सत्संग करते हुए अच्छा संग कब मिलता हो चला गया, क्योंकि हमें अच्छा संग मिल जाए तो हम अच्छे होते चले जाएंगे। उदाहरण के लिए आसमान से जो बूंद चलती है वो निर्मल होती, पर जब वह बूंद वही बूंद जो निर्मल सी है वो धूल में गिरती है तो धूमिल हो जाती। केले के पात पर वही बूंद कपूर बन जाती। वही बूंद जब गरम लोहे पर पड़ती है तो समाप्त हो जाती है। वही बूंद सांप के मुख में पड़ती है तो जहर बन जाती है। वही बूंद सीप के मुख में पड़ती है तो मोती बन जाती है। बूंद वही है, लेकिन जैसा जैसा उस बूंद को संग मिलता चला गया वैसी वैसी वो होती चली गई। हम भी सब वही है, लेकिन हमको जैसा जैसा संग मिलता जाता है हम भी वैसे वैसे होते चले जाते हैं। शराबी के साथ बैठोगे तो एक न एक दिन शराबी बन ही जाओगे, और संत के पास बैठोगे तो संत नहीं तो एक दिन भक्त तो बन ही जाओगे, ये निश्चित है। अजामिल खूब बढ़िया कर्मकांडी ब्राह्मण था, लेकिन संग ही बिगड़ा था इसका। वैश्या का संग करने लगा, सबने एक तरफ कर दिया, समाज से दूर कर दिया, इसलिए तो इसका रंग ढंग सब बदल गया। वैश्यागामी हो गया, सब समाज ने दूर कर दिया निकाल कर, लेकिन एक अच्छा संग कर लिया इसने। क्या? नारायण के नाम का संग। साधुओं के कहने पर अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया, और नारायण में मोह था, प्रीति थी। अब ये जो भी कहता था, जो भी पुकारता था, नारायण 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 ही पुकारता। नारायण कहाँ हो, नारायण आ जाओ, नारायण भोजन कर लो, नारायण मेरे पास आओ, बस नारायण ही नारायण करता था। तो एक बुरा संग आपके जीवन को बिगाड़ सकता है, और एक अच्छा संग आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। नारायण के नाम का संग कर लिया, नारायण का जब संग मिला तो निश्चित ऐसा हुआ कि इनका कल्याण हुआ। भगवान के नाम के सहारे जीवन को व्यवस्थित करते हुए अजामिल मुक्त हुए हैं। वैसे ही भक्त प्रहलाद जी की कथा आती है। प्रहलाद जी भी नारायण नाम से मुक्त हुए और नरसिंह का दर्शन किया, प्रकट कर लिया भगवान को नाम और आत्मविश्वास के सहारे। हम में भी भरोसा होना चाहिए, जब भगवान का भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, उसका जाप करते हैं, तो उस पर भरोसा भी पूरा पूरा होना ही चाहिए। नरसिंह भगवान का प्राकट्य हो गया इस भक्त प्रहलाद के कारण, तमाम कष्ट सहे, लेकिन उन कष्टों में भी एक खुशी थी कि भगवान के नाम का संग था, भरोसा था। तमाम कोड़े से मारा गया, विष दिया गया, ऊपर पहाड़ से फेंका गया, होलिका से जलवाया गया, सब कुछ कर लिया, फिर भी नारायण का नाम नहीं छोड़ा। हम तो थोड़े थोड़े स्वार्थ पर ईमान छोड़ देते हैं, भगवान की तो बात छोड़ो। भगवान को नहीं छोड़ा, हमको भी यही करना है। साथ और नाम भगवान का छोड़ना नहीं है, चाहे कष्ट आए, एक न एक दिन कष्ट चले भी जाएंगे, फिर से दिन अच्छे होंगे, इस भरोसे के साथ भगवान पर भरोसा करना ही पड़ेगा। इनके पुत्र आगे हुए हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए हैं फिर बलि, और बलि ने भी तीनों लोग जीते, अहंकार हो गया इनको। तब वामन भगवान अदिति के गर्भ से आकर प्रकट हुए और बलि के अहंकार को दूर करने के लिए तीन पग भूमि मांगी। तीन पग भूमि में संकल्प कर लिया है, दो पग में ही भगवान ने विराट रूप बनाकर सब ले लिया, तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और अहंकार दूर कर दिया है। सबके मालिक परमात्मा है, तीनों लोगों का विजेता कोई व्यक्ति नहीं होता, भगवान होता है। इस बात को समझ लीजिए, जो पहुंच मनुष्य की नहीं है वो पहुंच परमात्मा की है। इसलिए तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो बांके बिहारी पे छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेंगे, और जो तू न कर सका वो तेरे श्याम करेंगे, घनश्याम करेंगे।